मालेगाव में, मालेगाव शहर में पवारवाड़ी पुलिस स्टेशन के अंतर्गत तीन लोग नशा की गोलियां बेचने का काम कर रहे हैं, ऐसी मालूमात मालेगाँव सिटी के एएसपी संधु साहब की टीम को मिली थी। उन्होंने पवारवाड़ी पुलिस स्टेशन के थानेदार सुधीर पाटिल और उनके लोगों का एक टीम बना के वो जगह पे उनको भेजा, तो वो जगह से जो तीन आरोपी थे उसमें से एक फरार हो गया। दो आरोपियों को वहाँ पे ताबे में लिया, तो उनके पास से ऑन स्पॉट 25 बॉटल्स जिसमें नशे का सामान था वो जब्त किया गया, और उनसे फिर बाद में जो अलग तफ्तीश की गई उसमें से और तीन आरोपियों का नाम निष्पन्न हुआ। वो बाकी तीन आरोपियों के रहते जगह पे झड़ती ली गई, उसमें से 15,800 नशे की गोलियां बरामद की गई जिनकी कीमत 1,68,000 रुपये है, और उसमें एक मोटरसाइकिल भी जब्त की गई है। ऐसे करके इसमें कुल 6 आरोपी है, 6 में से एक फरार है। 5 आरोपियों को पुलिस ने अटक किया है, उनसे नशे की गोली का सामान और मोटरसाइकिल ऐसा कुल मिला के 2,01,500 रुपये का पूरा मुद्देमाल बरामद किया है। इसमें आगे भी अभी तफ्तीश चालू है। इसमें देखने वाली बात ये रही है कि मुहर्रम के 2 दिन पहले ये कार्रवाई होने से, और ये कार्रवाई 2 दिन सतत चलती रही, इसमें से मुहर्रम के दौरान कोई भी नशा करके कोई भी बंदा, कोई भी नागरिक, कोई भी लड़का रास्ते पे दिखा नहीं, और पूरा अमन के साथ में मुहर्रम का जो कार्यक्रम था वो बीत गया। इसमें अभी आगे की तफ्तीश पवारवाड़ी पुलिस स्टेशन के PSI कर रहे हैं। IPC की धारा उसमें पुलिस स्टेशन पवारवाड़ी के यहाँ पे NDPS कायदे के अंतर्गत गुना दाखिल किया गया है। मालेगांव शहर में खाली पवारवाड़ी हद्दी में ही, और पुलिस स्टेशन के हद्दी में भी है, मगर जैसे मालूमात मिलती है वैसे पीछे में आयशा नगर में भी कार्रवाई की गई है और आज़ाद नगर में भी कार्रवाई की गई है। जैसे जैसे मालूमात आती है हम कार्रवाई ज़रूर कर रहे हैं। हमारी आवाम से यही गुजारिश है कि ऐसी कोई भी मालूमात मिलती है तो वो तुरंत पुलिस को, कंट्रोल रूम को, संबंधित पुलिस स्टेशन को, आला अफसर को कांटेक्ट करे, जिससे कि हम इसमें और ज़्यादा कार्रवाई कर सकें। ऐसा है कि जैसे अभियान गुटके का लिए अभियान चलाया गया, अभियान नंबर 1 पीछे में हुआ, अभी अभियान नंबर 2 अभी भी चालू है। जब कोई अभियान चलता है तो उसको ज़्यादा तवज्जो दी जाती है, मगर आपने देखा होगा कि मालेगांव में तलवार भी जब्त किए गए हैं, मोटरसाइकिल के 2 गुने बड़े जिसमें 15 से 20 मोटरसाइकिल जब्त किए हैं वो भी जब्त किए हैं। फिलहाल में मोबाइल चोरी के 3 गुने भी हमने डिटेक्ट किए हैं, तो काम चालू है। ऐसा सोचना, ऐसा कहना गलत है कि बस गुटके पे ही कार्रवाई हो रही है। पुलिस तो इसमें कार्रवाई करती है कुत्ता गोली और दीगर चीज़ में, लेकिन आरोपी बहुत जल्दी छूट जाते हैं। आरोपियों को हमारा काम है कार्रवाई करके कोर्ट के सामने ले जाना। अभी आगे की कोर्ट की कार्रवाई में अगर वो जमानत पे छूट रहे तो हम उन पर प्रिवेंटिव एक्शन करके चैप्टर केस भी चलाएंगे।